हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम वैट को इनेबल कर सकते हैं टैली ईआरपी 9 में। और टैली 9 में भी तकरीबन प्रोसेस यही है, तो इसको हम जीएसटी की जगह वैट लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं जीएसटी भी लगा करके दिखाऊंगा और हम सेल्स और परचेज में अलग अलग वैट लगाएंगे। देखिए वैट क्या होता है, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो हर सामान पर गवर्नमेंट ने अलग अलग निर्धारित किया हुआ है, इसकी अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो इसको हम कैसे इनेबल करेंगे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, जीएसटी तो बहुत आसानी से आप अप्लाई कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे, तो इन्हीं सब चीजों की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले टैली ईआरपी 9 को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने टैली ईआरपी 9 पर एक एंट्री वैट पर कर रखी है। यहाँ पर देखिए 12.2% के हिसाब से यहाँ पे वैट कैलकुलेट होकर 240 रुपए, 2000 रुपए के हिसाब से 240 रुपए कैलकुलेट होकर आ गया है और ये जो है ऐड हो गया है 2000 रुपए में 240 रुपए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर मैंने वैट लगाया है। तो इसी तरह से हम वैट कैसे इनेबल करेंगे, सबसे पहला सवाल यही। चलिए शुरू से बात कर लेते हैं, हम शुरू से कंपनी ही बना लेते हैं। तो अल्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए और आप आ जाएंगे क्रिएट कंपनी वाली विंडो पे। सी प्रेस कीजिए तो आप यहां से कंपनी के फॉर्म पर आ जाएंगे। अब यहां पर हमको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, वैट एट द रेट ऑफ कंपनी के नाम से, इसी नाम से मैं कंपनी बना रहा हूं, ठीक है, वैट एट द रेट ऑफ कंपनी। और इसका एड्रेस मैं डाल देता हूं न्यू कॉलोनी देवरिया, ये डाल दिया हमने एड्रेस, या यहाँ पे इंडिया हो जाएगा और यहाँ पर यू प्रेस करेंगे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा और यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे हम 274001। ये रिक्वेस्ट जो है अनिल जी के तरफ से आई है, अनिल प्रजापति, आई डोंट नो कि कहाँ के रहने वाले हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन इनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई हुई है तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना दूं। तो ये जो है यहाँ से अब इसको एक्सेप्ट करवाता हूँ मैं। तो ये कंपनी हमारी बन करके तैयार हो गई, ठीक है, देख सकते हैं वैट एट द रेट कंपनी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हमको इसमें कुछ लेजर्स बनाने होंगे और इससे भी पहले हमें वैट ऑप्शन इनेबल करना होगा। वैट ऑप्शन इनेबल करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर फीचर्स ऑप्शन पे जाना है। ये जो फीचर्स दिख रहा है ना, मैं आपको फिर दिखाता हूं, या तो F11 की प्रेस कीजिए कीबोर्ड से और नहीं तो यहां पे देखिए नीचे फीचर्स ऑप्शन है, इसके नीचे कॉन्फिगर है, F11 की लिखा हुआ है, फीचर्स के पहले लिखा हुआ है F11, यानी फंक्शन बटन आपको F11 प्रेस करना है। F1 से लेके F12 तक ऊपर कीबोर्ड में फंक्शन बटन दिए होते हैं, तो आप F11 की प्रेस कीजिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और आपको आ जाना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर आकर के वैट एट द रेट हमारी कंपनी का नाम है, इसको हम ले लेते हैं। हमको जीएसटी नहीं इनेबल करना है, हमें वैट इनेबल करना है, तो जीएसटी को आप ज्यों का त्यों छोड़ दें। यहाँ वैट पर आइए, पहले ऑप्शन को यस कर दीजिए, दूसरे ऑप्शन को भी यस कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। अब यहां पर देख सकते हैं ये इस तरह से डिटेल खुलकर आई हुई है। अपना स्टेट जरूर चूज करें, हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, आपका अगर कोई और भी स्टेट हो जैसे फॉर एग्जांपल MP हो तो यहां पर साइड में आप देख सकते हैं बॉक्स शो हो जाएगा, आप जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल UP है मेरा, तो मैं यहां से यू प्रेस करता हूं और उत्तर प्रदेश यहां आ जाएगा, एंटर करके एक्सेप्ट कराता हूं। यहां पर टिन नंबर आएगा, टिन नंबर यानी कि जैसे GSTN नंबर होता है वैसे ही टिन नंबर होता है, 10 से 12 अंकों का ये नंबर होता है, तो आप यहां पर उसको लिख लें। फिलहाल मैं डमी नंबर डाल देता हूं और यहां पर इंट्रा स्टेट सेल्स टैक्स नंबर, तो जो भी आप राज्य के बाहर माल सप्लाई देंगे या खरीदेंगे जो भी कुछ करेंगे इसके लिए आपको इंट्रा स्टेट सेल्स टैक्स नंबर होता है वो देना होगा, तो यहां पर वो मैं दे देता हूं, ठीक है, सेल टैक्स नंबर दे दिया मैंने, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे CST रजिस्ट्रेशन डेट दिया हुआ है, तो जब भी आपका CST का रजिस्ट्रेशन हुआ हो, ठीक है, वो डेट आप जरूर डालेंगे यहाँ पे। तो CST क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। ये हमने डाल दिया, एंटर प्रेस किया। अब वैट वाला जो ऑप्शन है ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2020 से, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे दो चीज है, अगर आप वैट जो है फाइल करते हैं वो मंथली फाइल करते हैं कि क्वार्टरली फाइल करते हैं वो चीज आपको यहाँ पे देनी होगी, एंटर प्रेस करते हैं, मैं मंथली रख देता हूँ। यहाँ पे सेट अल्टर टैक्स रेट डिटेल्स, इसको हमको यस करना है, यहाँ से यस कर देते हैं। अब यहाँ पर वैट कितना लगाना है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वैट जो है 12% यहाँ पे लगा देना है और एडिशनल टैक्स यहाँ पे
2.2% मैं दे देता हूं, और यहां पे टैक्सेबल ही रहेगा, ये लिखा हुआ है डिफाइंड वैट कमोडिटी एंड टैक्स डिटेल एज मास्टर डीएक्टिवेट फॉर्म, इसको आप अभी छोड़ दीजिए और इसको भी छोड़ देते हैं। ऑथराइज्ड पर्सन जो भी आपके यहाँ ऑथराइज्ड पर्सन है, जैसे मैं कर देता हूं अपना ही नाम दे देता हूं यहाँ पे, तो ये हमने दे दिया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे सन ऑफ वाइफ ऑफ जो भी हो, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ ऐसे डाल देता हूं, और प्लेस जो है हमारा देवरिया है तो वो डाल दिया हमने, और यहाँ पे असाइन अथॉरिटी जिसके पास है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, फिलहाल इसको छोड़ता हूं मैं। और नेम ऑफ सर्कल सेक्टर, तो यहाँ पर ऑथोराइज्ड बाई में जो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर होता है उसकी साइन होती है, या तो सीए जो होता है चार्टेड अकाउंटेंट, वो यहाँ पे इसको ऑथोराइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं डेजिग्नेशन, तो जो भी डेजिग्नेशन होगा वो दे देंगे यहाँ पे, और इशूड बाई जो भी इसको इशू करेंगे उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो भी उनका पोस्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे सीए कर देता हूँ चार्टेड अकाउंटेंट, तो यहाँ पे सीए आप डाल दीजिए, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और डेजिग्नेशन जो भी इनका होगा, ठीक है, सीए अजय सिंह ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, डेजिग्नेशन इनका जो है वो है सीए, एंटर प्रेस किया। और अब यहाँ पे एक्साइज डिटेल वगैरह है, तो इसको हमको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और यहां से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए आप। अब तो ये हमारा वैट ऑप्शन चालू हो चुका है। अब हमको लेजर्स के बारे में समझना है कि हम लेजर्स कैसे कैसे बनाएंगे, तो चलिए आइए चलते हैं सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि हमारे पास पैसा है नहीं, बिजनेस में पहले पैसा लगाना पड़ता है, हमने नई कंपनी बनाई है तो सबसे पहले बिजनेस में पैसा लगाते हैं, रिसिप्ट वाउचर में चलते हैं। वही सेम प्रक्रिया, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ पे लिखिए कैपिटल अकाउंट, जो भी आपका कैपिटल है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, ये जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट, साइड में कैपिटल अकाउंट आ रहा है, एंटर प्रेस कीजिए और इसको अब एक्सेप्ट करा लीजिए, ये एक्सेप्ट करा दिया हमने। अब बिजनेस में आपने कितना पैसा लगाया, मान लीजिए 6 लाख रुपए लगा रहे हैं आप, तो ये लगा दिया 6 लाख, और मान लीजिए इसको कैश लगा रहे हैं तो ये कैश यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एंट्री पूरी हो गई। अब हमको चलना है परचेज वाउचर में, जो भी बिजनेस करते हैं उसके लिए हम कुछ परचेजिंग करेंगे, तो यहाँ से आ जाएंगे परचेज वाउचर में, ठीक है। इसमें हमको कुछ लेजर्स भी बनाने होंगे, खाते भी बनाने होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं, खाते हम उसी वक्त बनाएंगे जिस वक्त हम एंट्री करेंगे, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाना है, तो पुनीत सिंह क्रेडिटर, अब पहचान के लिए मैं यहाँ पे क्रेडिटर लिख दे रहा हूं, ठीक है, एंटर प्रेस किया और ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में, एस प्रेस कर दीजिएगा, साइड में आपको सन्ड्री क्रेडिटर नजर आ जाएगा, एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए यहाँ आ जाइए और इनका एड्रेस डाल दीजिए, जैसे मैं इनका एड्रेस डाल देता हूँ, लोकल का ही एड्रेस है, न्यू कॉलोनी देवरिया कर देता हूँ, कोई भी एड्रेस जो आपका हो वो डाल सकते हैं। यहाँ पर देवरिया का पिन कोड जो है वो डाल देंगे हम, एंटर प्रेस करके और नीचे आएंगे, बैंक की डिटेल अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं दे रहा। यहाँ पे पैन नंबर आ जाएगा, जो भी पैन नंबर होगा, एंटर प्रेस कीजिए, पैन नंबर आपको सही डालना है, यहाँ पर इसको यस कर देता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन शो हो रहा है, तीन ऑप्शन आ रहा है, कंपोजिशन, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। अगर आप वैट में रजिस्टर नहीं है तो आप अनरजिस्टर्ड के कैटेगरी में आएंगे। अगर आप अपना वैट 3 महीने पर फाइल करते हैं, यानी महीने दर महीने नहीं फाइल करते हैं, तो आप कंपोजिशन डीलर में आएंगे, और अगर आप रेगुलरली हर महीने फाइल करते हैं तो आप रेगुलर डीलर में आएंगे, तो हम रेगुलर रख लेते हैं। और यहाँ पर टिन नंबर हम डाल देंगे, ये टिन नंबर डाल दिया हमने, और सीएसटी नंबर जैसा कि हमने बताया था आपको टैक्स, तो अगर वो नंबर है तो आप दे दीजिए, अदरवाइज आगे बढ़िए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। ये बन गया हमारा पूरा डेटा, यहाँ पर इन सारे चीजों को चाहे तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, और जितना ज्यादा ज्यादा आप फिल कर सकें उतना ज्यादा अच्छा। यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ पर लिखिए परचेज अकाउंट, एंटर प्रेस करिए, ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट में, पी प्रेस कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा परचेज अकाउंट, एंटर प्रेस कीजिए,
एंटर प्रेस करके, और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो अब हम सामानों पर अलग अलग वैट लगाएंगे। जैसे सपोज कीजिए ये जो है मॉनिटर है, तो मॉनिटर पर हम अभी लगाने वाले हैं वैट। तो ये मॉनिटर लिखा हमने और इसको प्राइमरी कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पर यूनिट अवेलेबल नहीं है तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, और यहाँ पर आईटीएम आइटम के ही नाम से हम यूनिट बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं आइटम। ओके, एंटर प्रेस किया हमने और इसको एक्सेप्ट करा लिया, और वैट एप्लीकेबल ही रहेगा। एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराइए। अब यहाँ पर कर्सर आगे बढ़ जाएगा आपका। यहाँ पर क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए 5 मॉनिटर हम परचेस कर रहे हैं, एक मॉनिटर की कीमत 6000 पड़ रही है। एंटर प्रेस किया हमने और एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमको वैट का लेजर बनाना है, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे वैट, एंटर प्रेस किया और ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो एक ग्रुप बना होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पहले से ही। तो डी प्रेस करेंगे आप तो डी वाले सारे ग्रुप आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लेना है। अब इसमें से हमारा क्या, हमने इसमें क्या लगाया है, तो हमने वैट लगाया है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एडिशनल टैक्स भी दिया हुआ है। तो वैट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग रख लेते हैं। एंटर प्रेस करते हुए राउंडिंग लिमिट 2-3 कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वैट जो है कैलकुलेट होकर हमारा आ चुका है। अगर आप और भी सामानों पर वैट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। इसको हम पहले एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए और भी सामान अगर हो तो उस पर भी वैट लगाया जा सकता है, ठीक है। सेम दर से मैं वैट लगाकर दिखा रहा हूँ। अलग अलग दरों के हिसाब से भी आप वैट लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जिन पर की 12.2% का वैट लग रहा है, उन्हीं की एंट्री मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आइटम ही रहने देते हैं और यहाँ पे एप्लीकेबल करके और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर फिर कीबोर्ड के 120 आइटम हमने परचेस किए यहाँ से, और एक आइटम हमें पड़ा है 70 रुपये का, और इसके हिसाब से यहाँ पे टोटल आ गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसके पहले जबकि यहाँ पे सारी चीजें जीरो थी, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी जीरो कर देता हूँ, लेकिन अगर कीबोर्ड के आइटम्स जब हम यहाँ परचेज करेंगे, जैसे मान लीजिए 70 कीबोर्ड के आइटम हमने परचेज किए और एक कीबोर्ड की कीमत रही 70 रुपये, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वैट भी बढ़ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा 12.2% के हिसाब से। एंटर प्रेस करता हूँ और अब इसी तरह से आप ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो जरूर बताइएगा। ये पूछ रहा है कि क्या ये प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या ये प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रारंभिक राशि आप दे रहे हैं। हम यहाँ पे नो या यस कर सकते हैं एंटर करके, और ये न्यू रेफरेंस है तो इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं यहाँ से, और चाहे तो नरेशन दे सकते हैं। यहाँ पे नरेशन ऑन टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 12.2%, ये कर दिया हमने। एंटर प्रेस किया और इसको अब एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये हमारी एंट्री हो गई वैट वाली पूरी। अब हमको चलना है इसी चीज को हम अब सेल करेंगे। तो यहाँ पर आ गए हम, 700 नंबर का हमारा रेफरेंस नंबर है और यहाँ पर एक ही पार्टी का लेजर है, पुनीत सिंह क्रेडिटर। अब हम यहाँ डेटर पार्टी का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ रितेश, मणि डेटर। तो ये डेटर पार्टी है और यहाँ पे एस प्रेस करता हूँ, और एस प्रेस करने के बाद यहाँ पे डेटर पार्टी का लेजर लगा देंगे और यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे जो भी एड्रेस होगा। अभी मैं सेम स्टेट में ही ये करना बता रहा हूँ कि सेम स्टेट में कैसे हम इसको करेंगे, और टिन नंबर ब्लैंक है यहाँ पे, तो इस वजह से ये यहाँ पे पेन नंबर भी डाल देता हूँ। तो ये पैन नंबर हमने सही से डाल दिया। अब यहाँ पे इसको यस कर देंगे। रेगुलर स्कीम में हम रजिस्टर्ड हैं और वैट का जो टिन नंबर है वो टिन नंबर यहाँ पे आप डाल दें। एंटर प्रेस करें और सीएसटी नंबर अगर है तो वो भी डाल दें और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। इसके बाद से ये सारी डिटेल्स आप चाहे तो फिल कर सकते हैं जो
अति आवश्यक डिटेल है उसको मैंने फिल कर दिया है। एंटर प्रेस करके यहां पर आ जाइए। अब यहां पे सेल्स का लेजर बनेगा, ठीक है, सेल्स अकाउंट बनाया हमने, एंटर प्रेस किया, अंडर सेल्स अकाउंट इसे डाल देंगे, यहां से सेल्स अकाउंट आ रहा है, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, और यहां पे कोई डिस्काउंट हमें नहीं लगाना, और यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा, यहां पे वैट एप्लीकेबल रहेगा। अगर इसको अल्टर करना चाहते हैं तो अल्टर करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अब हमको सबसे पहले कीबोर्ड सेल करेंगे, तो 60 आइटम हम सेल कर रहे हैं और एक आइटम हम बेच रहे हैं 120 रुपए का, ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने 60 आइटम बेच दिए। अब मॉनिटर की बारी, तो मॉनिटर के 5 आइटम है, हम 3 आइटम सेल कर देंगे, तो यहाँ 3 लिखा हमने और एक आइटम हम 7700 रुपए का सेल कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से यहाँ कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पर जो है हमें वैट लगाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वैट @12% ये लगा हुआ है ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आप चाहे तो ले जाया जाएगा वहां पर ये सेल होगा, तो उसके लिए मैं अलग से एक लेजर क्रिएट कर देता हूँ, परचेज वैट ऑन सेल @12% का, ठीक है, तो ये लगा दिया हमने, एंटर प्रेस किया और ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा और ये वैट है तो वैट लगा दिया मैंने, कुछ और हो तो और भी लगा सकते हैं, जैसे सीएसटी हो तो सीएसटी भी लगा सकते हैं, एंटर प्रेस किया और नॉर्मल राउंडिंग 3 कर दिया, एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 12.2% वहां पर हमने दिया था जब वैट इनेबल कर रहा था मैं, तो उसके अब एंटर प्रेस करिए और अब यहाँ पर चाहे तो आप वैट की डिटेल को अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए जो भी आपका टाइप का इनवॉइस हो, तो ये सेल्स का इनवॉइस है तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा टैक्स इनवॉइस, तो यहाँ टैक्स इनवॉइस दे दीजिए, और अगर प्रिंसिपल अकाउंट जो भी होता हो वो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, न्यू रेफरेंस करिए और इसको यहाँ से अब एक्सेप्ट कर लीजिए, चाहे तो नरेशन दे सकते हैं। अब इन दोनों का प्रिंट मैं दे करके दिखा देता हूँ, यहाँ से 2 बार प्रेस कीजिए, देखिए ये हमारा परचेज वाला जो हमने किया था वो है, अगर इसका प्रिंट देना हो तो अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिएगा तो ये प्रिंट आ जाएगा। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, वैट PUR के नाम से सेव कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये टैक्स इनवॉइस है आपका और जिसमें आपने वैट दिया हुआ है, 12.2% का वैट लगाया गया है इसमें, तो परचेज करते वक्त इतना वैट लगाया गया है, ठीक है। और इसके बाद हम सेल्स वाला जो प्रिंट है उसको भी देख लेते हैं, दिख जाएगी और यहाँ पे देख सकते हैं वैट लगा हुआ आ रहा है, तो इस तरीके से हम वैट लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि सेल्स में और परचेज में कैसे वैट लगाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।